राम हमारे साथ तीन संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे आपको शाहिद के पास ले चलते हैं। शाहिद, फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर मंदसौर में वोटिंग को लेकर? कितना उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? जरा मतदाताओं से बात कीजिए, कैमरा घुमाइए, किन मुद्दों को लेकर घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी, जैसा कि आपने सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जिले का जो रुझान निकल कर आ रहा है मंदसौर संसदीय क्षेत्र का 15.91, यानी कि 15.91 अभी 9 बजे तक यहां पर मतदान हो चुका है। सूरज की पहली किरण के साथ सुबह 7 बजे से मतदान का क्रम यहां पर शुरू हो गया था। बड़ी तादाद में यहां पर मतदाता अपना मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन देखा जाए तो गर्मी कहीं ना कहीं अपना सितम दहा रही है। लगातार 4 रोज से जो रुक रुक कर खंडवार वर्षा हो रही थी, उस वर्षा के दौरान जो उमस पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं गर्मी को ज्यादा तपिश दे रही है। तो लिहाजा जिस तरह से मैं अपने कैमरा साथी को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर भीड़ आप देख रखे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले यहाँ पर पूर्व अपने मंत्री जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम है, वो यहाँ से अपना मत का उपयोग कर सा पत्नी के यहाँ से पहुंचे हैं, और वही पोलिंग बूथ है 56, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में। एक बार जगदीश देवड़ा से शायद बात कीजिए, कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, चाहिए उनके पास रहेंगे आप अपना मत का। जी, आप अपना मत का उपयोग करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? मत पूरा होना चाहिए जी। और मैं चाहता हूं गर्मी हो या कुछ भी, ठीक है, शायद वोट लेंगे आपके पास। वाहिद इस वक्त हमारे साथ है, वाहिद के पास ये चलते हैं आपको। इस वक्त वाहिद खरगोन में है।